द्वारा बेंगलुरु में 2,700 करोड़ रूपया री कई विकास परियोजनावारी री करी शुरुआत। कया सगली परियोजना में कर्नाटक रा करसा और युवा वर्ग ने देवेली नवी सुविधा में। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली में साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा माथे एक राष्ट्रीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया साइबर सुरक्षा कानी जन जागरूकता सरकार री प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया अग्निपथ योजना युवा में सारू सकारात्मक पहल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल राज्यपाल प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावां। प्रदेश भर में लगाई गया के योगाभ्यास शिविर। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा ज्यादातर जिला में मानसून सू पहली री बिरखारू दौर जारी। मौसम विभाग बीकानेर और अजमेर संभाग रा की जिला में भारी बरसात रो आसार जतायो। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है। मैं अर्चना मेहता और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में 2,700 करोड़ रूपया री कई विकास परियोजना वारी शुरूआत करी। प्रधानमंत्री इन मौके राखी गई सभा ने संबोधित करता थका कया कि आ सगली परियोजना में कर्नाटक रा करसा और युवा वर्ग ने नवी सुविधा में देवेला। इंस्यू पहली कर्नाटक पुग्या पछे प्रधानमंत्री अठे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर री मूर्ति रो अनावरण करिया। प्रधानमंत्री मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र रो भी उद्घाटन करिया। आरपी की आधारशिला रखी जिसके जरिए बेंगलुरु ने गतिशीलता और संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। बेंगलुरु शहर को उसके उपनगरों और उनसे जुड़ी टाउनशिप से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना को 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा और इसमें 4 कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है जिनकी कुल लंबाई 148 किलोमीटर से अधिक है। प्रधानमंत्री ने यहां 500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले बेंगलुरु कैंट और 375 करोड़ रुपए में बनने वाले यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी बुनियाद रखी। बेंगलुरु के बायपनहल्ली में अब भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन्ड रेलवे टर्मिनल बन गया है जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इस हाईटेक और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले स्टेशन का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। 4,200 वर्ग मीटर में तैयार रेलवे टर्मिनल को बनाने में 314 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने उडुपी मडगांव और रत्नागिरी से इलेक्ट्रिक ट्रेनों का शुभारंभ किया। 100% विद्युतीकरण के इस कोंकण रेलवे लाइन में 1280 करोड़ से अधिक की लागत आई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दो रेलवे लाइनों के दोहरीकरण की परियोजनाओं अरसिकेरे से तुमकुरु और येलहंका से पेनुकोंडा के लिए यात्री ट्रेनों और एमईएमयू सेवा को हरी झंडी दिखाई। इन दो रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं को क्रमशः 750 करोड़ रुपए और 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। आज 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ये प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, कनेक्टिविटी ऐसे कई आयामों के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बल देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, यहां आने से पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को बहुत समझने के लिए, उनके उत्साह को अनुभव करने के लिए
आज मैं उनके बीच में हूं और नई ऊर्जा लेकर के निकला हूं। मैं इन कार्यक्रमों से जुड़े देश के प्राइवेट सेक्टर की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। अब यहां कनेक्टिविटी से जुड़े उत्सव को आपके साथ आपके बीच आकर के और जो उमंग और उत्साह से आप लोग भरे हैं, मैं भी आपके साथ इसको सेलिब्रेट कर रहा हूं। गृहमंत्री अमित शाह कहा है कि साइबर सुरक्षा काने लोगों में जाग जगानो सरकार री प्राथमिकता है। आज नवी दिल्ली में साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा माथे एक राष्ट्रीय सम्मेलन ने संबोधित करता था कांवे कया के डिजिटल सुरक्षा रे बिगर साइबर सुरक्षा रो उद्देश्य पूरो नहीं वेलो। गृहमंत्री कया के आवण वाला टेम में साइबर फ्रॉड मोटी चुनौती है। विधाएं और वो तकनीकी रूप से भी सशक्त नहीं होते तब तक डिजिटल सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं माना जा सकता है। गौरतलब है कि देश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयासों के तहत गृह मंत्रालय द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि प्रत्येक भारतीय को टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को सशक्त करना चाहिए। हमारे टेक्नोक्रेट कितनी भी सुरक्षा की सुविधाओं का अनुसंधान कर ले, कितने भी रास्ते ढूंढ ले, मगर लोगों में जागरूकता नहीं है तो जागरूकता के बगैर इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा बेहद अहम है। गृहमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध से बचने और इसके लिए एक मजबूत तंत्र बनाने पर देश में तेजी से काम हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे साइबर सुरक्षित देश के रूप में उभरेगा। हर क्षेत्र के अंदर देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो, इसकी दृष्टि से अनेक विध कार्यक्रम अनेक मंत्रालयों को समाहित करते हुए बनाए गए हैं। कहीं पर वित्त मंत्रालय, जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब आर्थिक क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसके लिए हमारे पास किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, किस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी, हमारी क्षमताओं का संपूर्ण दोहन कैसे होगा, भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और दुनिया के अर्थतंत्रों में भारत सिरमौर कैसे बनेगा। गृहमंत्री ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निचले स्तर तक किया जा रहा है। अगर हम साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो हमारी ये ताकत हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि देश के हर नागरिक तक साइबर जागरूकता पहुंचाई जा सके। साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण भारत के विकास के लिए कितना जरूरी है। आज के युग में भारत का विकास साइबर सुरक्षा के बगैर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से ही आज भारत हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है। डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस जमाने में साइबर सुरक्षा पर थ्रस्ट देने के लिए, साइबर सुरक्षा पर एक मंथन करने के लिए, चुनौतियां और चुनौतियों के समाधान को ढूंढने के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जन जन तक साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम भारत सरकार के गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आहूत किया है। जयपुरा पिंक सिटी प्रेस क्लब में आज प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मीडिया से बातचीत करी। डॉक्टर पूनिया केंद्र सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनावा बाबत अपना विचार साझा करिया। वे कहा कि देश में शुरू करी जी अग्निपथ योजना युवा वर्ग सारू वरदान साबित भेली। वे कहा कि सेना में नवाचार करनो और उनने आधुनिक बनानो केंद्र सरकार रो उद्देश्य है। अस्या में अग्निपथ योजना देश ने ताकतवर बनावन री दिशा में एक कदम है।
देश का नौजवान इस बात को, उसकी खूबी को समझेगा और वो इन सब चीज़ों से परहेज करके अपनी तैयारी में लगेगा। और अब तो वायुसेना और नौसेना ने तैयारी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। लोग इस योजना की खूबियों को समझेंगे और खूबियों को समझकर उनको निश्चित रूप से, मुझे भरोसा है कि उनकी देश की सेना ने और देश की इतनी बड़ी सरकार ने यदि उनके भले के लिए योजना लागू की है तो, क्योंकि इस पर उनको इतना अवसर नहीं मिला कि वो ठीक से समझते और उसको अपनाते। अब धीरे धीरे, क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में चर्चा सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से आई है, तो उन सब लोगों तक जाएंगे, इस खूबियों को पहचानेंगे और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके देश और प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनावां दी है। राज्यपाल अपना संदेश में कया के योग भारतीय संस्कृति है, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन रे तहत आदर्श जीवन शैली रा रूप में शुरू सुई मारा देश में योग ने स्वीकार करी जो है। राज्यपाल इन महान परंपरा ने आगे बढ़ावन रो आह्वान करया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सु एक दिन पहली जोधपुर रा गौशाला मैदान में योगाभ्यास राखी छो। इन योग शिविर में राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत समेत मोकला लोग शामिल भिया। शिविर में बच्चा सुलेर बुजुर्ग तई हरेक माए घणो चाप देखो गयो। शिविर में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आसन, ध्यान मुद्रा और सूर्य नमस्कार समेत कई मात्रा योग रो अभ्यास करवायो गयो। इन मौके राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत कया के योग शारीरिक मानसिक विकास रे साथ है कई बीमारियां ठीक करण में कारगर है। स्वस्थ रहता है जिसके जिसकी आवश्यकता है। आज के इस युग में व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक गतिविधियां करते रहना चाहिए। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर को व्यवस्थित और संयमित और मर्यादित रखने में हमारे जीवन में उपयोगी है। योग से न केवल हम मन मस्तिष्क से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, विचारों से भी स्वस्थ होते हैं। सभी को योग करना चाहिए। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और निजी विश्वविद्यालय कानेसु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके योग शिविर लगायो गयो। योग माय महामुद्रासन करर विश्व रिकॉर्ड बनार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड माय नाम दर्ज करवायो गयो। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रा इंडिया हेड आलोक कुमार प्रोविजनल प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय ने सौंपियो। कार्यक्रम में 45 योग साधक और योगाचार्य योगाभ्यास में महती भूमिका निभाई। इन मौके जिला कलेक्टर नथमल्डी डेल बताया कि युवा वर्ग में योग कानी रुचि बढ़न सु नशा करण री आदत माते लोग रोक लागेली। सब लोगों ने मिलकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और सभी ने आज योगा की एक मुद्रा महामुद्रासन को अपना करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस रिकॉर्ड का इंदराज करवाया है। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक दो दिन पहले इस प्रकार सब लोगों की एक टीम भावना से मिलकर के आमजन को योगा का महत्व समझाने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। आज उसी कड़ी में खुशाल दास यूनिवर्सिटी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो है महामुद्रा योग कोर्स में सबसे ज़्यादा लोगों का परफॉर्मेंस। ये रिकॉर्ड पहले कहीं नहीं था, ये पहली बार रिकॉर्ड बना है और जहाँ तक मैंने नंबर को देखा है मोर देन 2000 है। अब एग्जैक्ट नंबर हमारी टीम जो है सारा जो डाटा वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट देगी। आज हमने इनको जो दिया वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। खुशाल दास यूनिवर्सिटी में आने के बाद मुझे अपना काफ़ी गर्व महसूस हुआ क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स और योगा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि जब तक हम स्पोर्ट्स योगा को नहीं ज़्यादा तवज्जो देंगे तब हमारे आज की जो रहने का तरीका है, स्ट्रेस वाली लाइफ है, कभी ख़त्म नहीं होती। योगा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को पीस करता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर कानी सु योग कानी लोगामय जाग जगावन रा उद्देश्य सु आज रैली काटी गई। रैली सु पहली एनर्जी बूस्टिंग खातर जुम्बा डांस करवार लोगों रो उत्साह बढ़ायो गयो। संस्था रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बताया कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके होमन वाला कार्यक्रम री श्रृंखला लारला सौ दणा सु चल रही है। इन्हीं सिलसिला में आज सुबह रैली काटी गई। रैली में शामिल लोग आम जनता ने योग कानी जागरूक करण खातर हाथा में नारा लिखोड़ी तख्तियां लेर चलिया।
जी, आज जैसा आप सभी को विदित है कि पूरा विश्व 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, उसी क्रम में हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पिछले 100 दिनों से कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की है और उसी के अंतर्गत आज एक जन चेतना रैली हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से निकाली, जो संस्थान से शुरू होते हुए हवा महल से होते हुए बड़ी चौपड़ से होते हुए यहाँ वापस आई। और इसका उद्देश्य यही था कि हम जन जन तक ये संदेश पहुँचाएँ कि योग स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी है, फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, इसके लिए अत्यावश्यक है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बच्चों का या जो भी प्रतिभागी थे, इसमें भाग लेने वाले थे, उन सबका एक जुम्बा के माध्यम से उनका हमने उत्साहवर्धन किया और उसके बाद बहुत बहुत धूमधाम से और पूरे अनुशासन के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके आज राजधानी जयपुर रा आदर्श नगर माए योग अभ्यास शिविर लगायो गयो। शिविर में योगाचार्य डॉक्टर अंचल उप्पल योग बीमारियां ने ठीक करण रा अभ्यास करवाया। शिविर में 372 लोग हिस्सो लियो। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट साइबर ठगी करण वाली गैंग रो खुलासो करियो है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम ऋचा तोमर बताया कि जयपुर में पकड़ी गई नवी दिल्ली री अंतर्राज्यीय गैंग रे सरगना समेत 4 आरोपियां ने गिरफ्तार करी जो है। वे बताया कि आरोपियां रा कब्जा सु कई बैंकों रा एटीएम कार्ड बरामद करी जिया, जिन रे जरिए लाखों रुपया री ठगी करी ही। पूर्व में जो गैंग बगरू थाना के द्वारा पकड़ी गई थी उससे अलग है। इस पूरी गैंग में 4 आरोपी शामिल है। चारों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पोजेशन से लगभग 183 एटीएम जो विभिन्न बैंकों से के हैं वे बरामद किए गए हैं। 2 स्वैप मशीन इनसे बरामद की गई है और अब तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि ये गैंग 2018 से एक्टिव है और इनका जो तरीकाए वारदात है ये ऐसे एटीएम मशीन जो आईएमटी इनेबल्ड है उनको टारगेट कर रहे थे। विक्टिम के अंदर जाने के बाद में ये आईएमटी बटन को प्रेस कर देते थे जिससे कि उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था और एटीएम की स्क्रीन पर अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता था क्योंकि विक्टिम को पहले से ही जानकारी कम होती थी और कहीं ना कहीं परेशान हो जाता था कि अब मैं कैसे करूँ। तो पहले एक व्यक्ति में से अंदर जाता था, फिर दूसरा अंदर जाता था, फिर तीसरा अंदर जाता था और उससे कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप फिर से अपना पिन कोड एंटर कीजिए या अपना एटीएम कार्ड डाल के फिर एंटर कीजिए, अपने बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। तो इस मॉडस ऑपरेंडी से ये पहले ये जानकारी इकट्ठा कर लेते थे कि उसका पिन कोड क्या है, ये देख लेते थे कि उसके एटीएम कार्ड के अंदर या उसका बैंक बैलेंस कितना है। अगर बैंक बैलेंस बहुत कम होता था तो ये वारदात नहीं करते थे। अगर एक फेयर अमाउंट का बैलेंस उसके एटीएम कार्ड के अंदर है, एटीएम में है, उसके बैंक अकाउंट में है तो ये उस एटीएम को स्वैप कर देते थे। बांसवाड़ा जिला रा रोहनिया नाहरपुरा रा शहीद महेंद्र सिंह राणावत ने आज राजकीय मान रे साथ 1000 लोग अंतिम विदाई दी।
बीएसएफ बटालियन 21 में तैनात महेंद्र सिंह राणावत ड्यूटी रे दौरान रात्रि गश्त में बिजली गिरण सु शहीद वेक्या हा। आज उनरी पार्थिव देह उनरा पैतृक गांव ले जाएगी जठे श्रद्धांजलि देवण वास्ते जन सैलाब उमड़ पड़ियो। शहीद ने जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिला कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा श्रद्धांजलि अर्पित किया। काफी दुखनीय और असहनीय है जिससे हमें काफी ठेस पहुंची है और हमारा क्या बचपन इनके साथ में था बिल्कुल ही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर रा बालोतरा में जलदाय विभाग रा एक्सीएन ने 1 लाख रुपया की घूस लेवता रंगिया हाथा गिरफ्तार करियो है। एक्सीएन 1.25 करोड़ रुपया रा बिल पास करण री एवज में 2.5% कमीशन मांगियो हो। वे 2 लाख रुपया पहले ही ले चुको हो और 1 लाख रुपया री रिश्वत लेवता तका पकड़ियो गयो। भव्या फाउंडेशन जयपुर कानीसू अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन और राष्ट्र गौरव सम्मान समारोह राखी जियो। फाउंडेशन रा अध्यक्ष डॉक्टर निशा माथुर बताया कि कैंसर पीड़ित और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा री मदद खातर वो कार्यक्रम पाछला कई बरसा सू आयोजित करियो जा रियो है। वे बताया कि न्यारा न्यारा खेतरा में उल्लेखयोग काम करण वाला देश विदेश रा 200 लोगा ने स्मृति चिन्ह और दुशालो ओढ़ार मानित करी जियो। मैम सामने प्लीज माइक के साथ। भव्य फाउंडेशन द्वारा जैसा बताया गया है कि लगभग 11 देशों से यहाँ पर प्रतिनिधि आ रहे हैं और काफी चेहरे जो स्वयंसेवी हैं वो ऐसे हैं जिनसे पिछली बार भी मुलाकात हुई थी और वो समाज की सेवा में जो है तत्पर हैं और सारे एकजुट होकर अगर एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं तो हम कदम दर कदम जो है मिलकर चलेंगे। भव्या फाउंडेशन पिछले 5-6 सालों से लगातार प्रयासरत है और अलग अलग तरह के हम कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। कभी हम कैंसर वॉरियर्स को लेकर आते हैं, कभी हम हैंडीकैप पर्सन जो हमारे निशक्त जन हैं वॉरियर्स हैं उनको लेकर के आते हैं। इस बार के हमने भव्या फाउंडेशन के अंदर अलग ही थीम चुनी है। हम कुछ किसानों को लेकर आए हैं जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत काम करते हैं। हम कुछ ऑटिज्म वॉरियर किड्स को लेकर के आए हैं जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस बार हमारा पूरा केंद्र जो है ऑटिज्म वॉरियर की प्रस्तुतियों पे हैं जो दिमागी रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन के हिसाब से ये प्रोग्राम है। आज कल लगभग 200 प्रतिभाओं का सम्मान है। ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र से, संस्कृति क्षेत्र से, साहित्य से, कृषि से और उद्यमी भी हैं इसमें, हमारे कृषक भी हैं इसमें हमारे, और फैशन से, फिल्म इंडस्ट्री से पत्रकार भी हैं। हर तरह के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से लोग हमने नहीं चुने हो। हमारे पैनल ने पूरे हिंदुस्तान के खूबसूरत हीरे चुन करके हम इस प्रोग्राम को हमने एक भव्या का एक भव्य रूप अंजाम दिया है। राज्य सूचना आयोग प्रदेश रा सगला पुलिस थाना में सीसीटीवी कैमरा लगावन रा निर्देश दिया है। आयोग ओ आदेश बीकानेर रा मोहम्मद यूनुसरी अर्जी माथे सुनवाई रे दौरान दियो। सूचना आयुक्त पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट रा उन निर्देश बाबत बताया जिमाए अदालत सगला थाना ने सीसीटीवी सुविधा सु लेस करण रो आदेश दियो हो। सुनवाई रे दौरान सूचना आयुक्त नारायण बारेठ कया के तकनीक रो इस्तेमाल सूचना अधिकार कानून में चाहिएगी पारदर्शिता और मानवाधिकार रा लिहाज सु जरूरी है। राजधानी जयपुर में बरसात विया पछे मौसम सुहावनो भेग्यो है। असियामय अठेरा पर्यटन ठिकाना माथे लोगारी चहल पहल बढ़ गई है। अठेरा अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम, आमेर महल, जंतर मंतर, हवा महल समेत दूजा पर्यटन ठिकाना माथे दूर दराज सु सैलानी आ रिया है। जयपुर बहुत सुंदर शहर है, 2 दिन से बहुत सुहावना मौसम है, बहुत लोग घूमने आ रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। यहाँ का जल महल, हवा महल, इन सब की शोभा निराली है। आम्बेर फोर्ट बहुत अच्छा है, जयपुर बहुत बेहतरीन शहर है। इस वक्त सुहाने मौसम में और ज़्यादा 4 चांद लग गए। बारिश होने की वजह से जयपुर का मौसम बहुत सुहाना हो गया है। हम भी आज निकले हैं और नेहरू पार्क, आमेर, नाहरगढ़, जल महल और अब अल्बर्ट हॉल देखने आए हैं। गुड़गांव से यहाँ पे जयपुर घूमने आए हैं। अभी एक्चुअली कल से मौसम यहाँ गुड़गांव का बहुत अच्छा था। हमने यहाँ पे काफ़ी जगह आमेर का किला, राजगढ़
और सिटी पैलेस ये सब देखने, जंतर मंतर, गोविंद देव जी, हम यहाँ पे घूमे एंड फाइनली आज हम आए हैं अल्बर्ट हॉल। और यहाँ की खूबसूरती आई लव इट, मतलब कि यहाँ पे हमारी जो संस्कृति है उससे रिलेटेड चीज़ें, मतलब इतना यहाँ पे स्टोर किया हुआ है चीज़ें, वो देख के ना आई मतलब रियली अप्रिसिएट की। और इतना अच्छे से यहाँ पे सब सेटल किया हुआ है चीज़ों को, आप देखोगे यहाँ पे घूमोगे तो मैं तो यही बोलूँगी सबको जो भी जयपुर यहाँ आता है घूमने, एक बार यहाँ आके जरूर मतलब उनको घूमना चाहिए, देखना चाहिए चीज़ें, हमारी संस्कृति के बारे में हमें थोड़ा पता चलता है। आई एम फ्रॉम पूना एंड आई हैव कम टू जयपुर विद माई पेरेंट्स टू सी जयपुर एंड टुडे आई हैव सीन जंतर मंतर, हवा महल एंड आई एम सीइंग अल्बर्ट हॉल, नाइस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। जयपुर जिला रा फुलेरा माए आज सुबह तेज बरसात री वजह सु दीवार गिर गई, जी माए दबने सु दो लुगाया री मौत वे की। आ लुगाया अपना बड़ा माए दीवार कने रोजीना रा काम कर रहा हा, हादसा माए दो भैंस भी मारी गई। घटना री जानकारी मिलता ही फुलेरा SHO और विधायक निर्मल कुमावत मौका माथे पुगर हालात री जानकारी ली। बूंदीरा मांडू पहाड़ियां री बरसाती खाल माए मोटरसाइकिल सु नाला पार कर रिया वन रक्षक और उनरा साथी रो संतुलन बिगड़ जावन सु वे नाला माए बह गया। वन रक्षक रा साथी ने उनी टाइम बचा लियो गयो, पण वन रक्षक लोकेश गुर्जर पानी माए डूब गयो। सूचना मिलता ही दबलाना थाना पुलिस बचाव कार्य शुरू करिया, जद वन रक्षक रो शव हादसा रा दो दिन बाद मिलियो। उसको तो बचा लिया गया है लेकिन वो उसकी गार्ड की मृत्यु हो गई है और उसकी बॉडी आज प्रातः ही हमारे जो सिविल डिफेंस है उन्होंने रिकवर करी है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा ज्यादातर जिला में मानसून सु पहले रे बिरखा रो दौर जारी है। राजधानी जयपुर में आज सुबह चोखी बरसात भी, चूरू, अजमेर, पिलाणी, सीकर, कोटा, नागौर, बीकानेर और बूंदी में भी तेज बिरखा भी। बरसात सु पारो कोई 10 डिग्री तक गिर गयो। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि प्रदेश रा ज्यादातर जिला में मानसून सु पहले रे बिरखा जारी रहेली। वे बताया कि बीकानेर और अजमेर संभाग रा कुछ एक जिला में भारी बिरखा रा आसार है। आखिर में खास खास खबरें एकर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक रा बेंगलुरु में 2,700 करोड़ रूपया री कई विकास परियोजना री करी शुरूआत। कया सगली परियोजना में कर्नाटक रा करसा और युवा वर्ग ने देवेली नवी सुविधा। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली में साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा माथे एक राष्ट्रीय सम्मेलन ने करया संबोधित। कया साइबर सुरक्षा कानी जन जागरूकता सरकार री प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया कया अग्निपथ योजना युवा वसारू सकारात्मक पहल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावां। प्रदेश भर में लगाई जिया के योग अभ्यास शिविर। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा ज्यादातर जिला में मानसून सु पहली रे बिरखा रो दौर जारी। मौसम विभाग बीकानेर और अजमेर संभाग रा की जिला में भारी बरसात रो आसार जतायो। इन रे साथ यो समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।